लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। बापूधाम में एक नवविवाहिता का शव बाथरूम में लटके हुए मिला। घटना के बाद नवविवाहिता के घर वालों ने उसके ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान 19 साल की किरण के रूप में हुई है। किरण ने अक्टूबर 2017 को अपने घर के पास रहने वाले गुलशन नाम के युवक के साथ लव मैरिज की थी। दोनों ने घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर शादी की थी। वहीं पुलिस को मृतका के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि पुलिस प्राथमिक जांच में इसे सुसाइड मान रही है। शादी के बाद से किरण अपने ससुराल में रहती थी। ससुराल में ननद, जेठ, भाभी, पति, ससुर सास रहते थे। पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार दोपहर की है, जब किरण ने घर के बाथरूम में जाकर फंदा लगा लिया। ससुराल वालों ने किरण को फंदे से लटके हुए देखा और तुरंत उसे इलाज के लिए जीएमएस 16 ले गई। वहां पर डॉक्टरों ने किरण को मृत घोषित कर दिया। लड़की मेरी शादी करके चली गई थी, एक डेढ़ लाख किरण जेब ले गई थी, 1.5 लाख रुपए ले गई थी। अपनी मर्जी से उन्हें शादी कर ली थी। फिर हमने उसको ढूंढा, 2 महीने पुलिस वाले ने हमारा गुमराह कर दिया। उन्होंने शादी कर ली है, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? इनके साथ सब मिलजुले हुए। कल से हमारे को लड़की को पता ही नहीं बताया कहाँ पड़ी कहाँ नहीं पड़ी। हम 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की दिखाओ, ये लड़की है ही नहीं तुम्हारी यहाँ पे। ढूंढ डाल के देखा लड़की यहीं पे है, जान से मार दिए उन्होंने। और हमने कभी उसकी बहन के साथ झगड़ा हुआ था, तो मारते थे अंदर, टॉर्चर करते, पैसे लेके आओ। तो क्या नाम है उसकी बहन का? बहन किन्नू है, एक किन्ना है, जेठ का नाम बंटी है, घर वाला नाम गुलशन है। मार पिटा करते थे, मैं गया था एक दो बार तो मेरे को धमकाए भगा देता, फिर पैसे हैं तो दे जा, नहीं तो अपनी लड़की ले जा यहाँ से। फिर मैं आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी 2 महीने पहले, 2 महीने पहले कंप्लेंट करी थी, FIR भी रखी मेरे पास। वो कहती फांसी लड़की, उन्हें फांसी लटकाई, तो मैं लड़की ने आत्महत्या करी है। मैं नहीं, मैं कत्ल है। तो जब इतनी बड़ी फैमिली को छोड़े चली गई, इतनी हिम्मत है उसको, 4 बंदों ने दाब के गला घोट के मार के जब 3 व्हीलर डाल के लेके आए। सुसार ने घर देखा उनका जाके, इतनी फुट पर फोर लगा रखा है, उस पर टंग लड़की लंबी है, वो कैसे लटके जाएगी? किसी को रखने जगह भी नहीं, फोटो कटी किसी, वो कह रहे ये तो सुसाइड नहीं करी, हत्या करी है। पुलिस हमारे को कह रही है अभी तो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि जब हम सबको अंदर करेंगे। मैं 7 के नाम लिखा रखे, 3 को अंदर करा, 4 को छोड़ दिया है। इंसाफ चाहते हैं हमको, हमें इंसाफ, इंसाफ को हमें सबको अंदर करा जाए, अरेस्ट होना चाहिए। कुछ नहीं करा जी, हम कुछ नहीं कहा, हमारे को उल्टा भगा दिया, उल्टे पैर। उन्हें पूछा नहीं कि माँ आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, उन्होंने बॉडी रख ली इन्हें संभाल के। उन्होंने कहा पड़ोसी, पड़ोसी बन के आए, वो दाखिल करा गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा ससुराल वाले, उन्होंने पड़ोसी कहाँ हैं आगे। हाँ, और जब उन्हें लटकाई तो किसी मोहल्ले में किसी खबर करते भी ये लड़की है या घर के नहीं दूर है, भाग के बताया कि माँ आपको बुला लो, कोई गलती होगी ऐसे। फटाफट ऑटो में डाल के या जमा करा के फटा भाग के। नेशनल बज के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बज पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।